वन हम ऐसे लिखते हैं, तो रोमन में सिर्फ एक लाइन लगा के रोमन को लिख दिया जाता है, और टू लिखने के लिए दो लाइन का इस्तेमाल किया जाएगा, और तीन लाइन तीन लिखने के लिए तीन लाइनों का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी भी सिंबल का इस्तेमाल तीन बार से ज़्यादा नहीं किया जाएगा, किसी भी सिंबल का इस्तेमाल तीन बार से ज़्यादा नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर तीन लाइनें तो लगा सकते हैं, पर चौथी लाइन हम नहीं लगा सकते। चार को इस तरीके से चार नहीं दिखा सकते हैं, एक दो तीन चार ऐसे नहीं दिखा सकते, गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चार को जब ऐसे नहीं लिख सकते तो उसका कोई तरीका होगा लिखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, चार को ना लिख कर पाँच, पाँच को जानेंगे पाँच क्या है। जब भी तीन तीन कोई चीज़ तीन बार रिपीट हो जाएगी तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है, उससे अगले वाले नंबर पर जाकर और उतना ही कम कर देना है जितना वो उससे ज़्यादा कम है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो हमें चार ऐसे नहीं लिखना है, तो चार लिखना कैसे है, तो चार लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पाँच पे जाना पड़ेगा। पाँच को तो हम कैसे लिखते हैं, अब देखेंगे कि अब पाँच चार से जितना कम है, तो पाँच चार से एक कम है, तो पाँच लिखने के बाद क्या करेंगे, चार में से एक घटा, पाँच में से एक घटा देंगे। और घटाने के लिए क्या करेंगे, हमेशा याद रखेंगे जो लेफ्ट साइड में नंबर लिखा जाएगा उसको घटाया जा रहा है, अगर राइट साइड में कोई नंबर लिखा जा रहा है तो इसका मतलब उस नंबर में वो जोड़ा जा रहा है। समझ में आ रहा, अभी हम यहाँ खड़े हुए हैं तो हम इधर से लिखते हैं, तो हमारा राइट उल्टा हाथ ये है, उल्टे हाथ की तरफ लिखी हुई चीज़ उस चीज़ में कम की जाएगी, और राइट साइड में आने वाली चीज़ उस नंबर में एड की जाएगी। देखिए कैसे, अब हमें यही सिक्स लिखना है, तो सिक्स लिखने के लिए पाँच पे जाना पड़ेगा। जब हम पाँच पे गए तो पाँच को तो हम ऐसे लिखते हैं, और पाँच जो है छः से कितना पाँच में छः से छः जो है पाँच से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो हम वहाँ पर जो है राइट साइड में ये लिख देंगे, तो अब ये छः हो जाएगा, ठीक है। सात देखेंगे, सात जो है पाँच से कितना ज़्यादा है, तो सात पाँच से दो ज़्यादा है, तो पाँच छः सात, समझ में आ गया। अब आठ देखेंगे, आठ तो आठ क्या है, पाँच से कितना ज़्यादा है, तीन ज़्यादा है, तो पाँच छः सात आठ। अब तक तीन बार नौ को लिख सकते हैं, नौ को लिखने के लिए लाइनें चार हो जाएंगी, और जो गलत हो जाएगा, तो इसीलिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, दस पर। और जैसे ही दस पर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, दस को तो हम एक्स कहते हैं, फिर नाइन को हम क्या कहेंगे, तो नौ जो है दस से कितना कम है, एक कम है, इसलिए एक पहले लिख लेंगे। समझ में आ गया, नौ जो है दस से एक कम है, इसलिए हमने एक पहले लिख लिया। तो इसी तरीके से 20 को हमने कैसे, 9 को यहाँ पर दिखाया है, 10 को यहाँ पर, 20 को दो बार एक्स बना सकते हैं, किसी भी सिंबल्स को हम तीन बार रिपीट कर सकते हैं। तो 20 के लिए दो बार एक्स, और 3 के लिए 30 एक्स, और 40 के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 की जाना करेंगे। चार किसी भी सिंबल को हम चार बार रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए उसके आगे जाकर और जितना कम है उतना घटाना पड़ेगा। तो हमें लिखना है 40, तो 40 क्या है, 50 से बेटा कितना कम है, 10 कम है, 50 से कितना कम है, 50 से 10 कम है, और हमने क्या किया, 50 को हम क्या बेटा क्या लिखते हैं L, और जितना कम होता है उसको लेफ्ट साइड में लेते हैं, जितना कम है 10 कम है, 10 के एक्स की तरफ लगा दिए, ऐसे पहले लगा दिए। 60 लिखना है, पर अब यहाँ पर 60 अगर लिखना है तो ये तो 50 से ज़्यादा है, और ज़्यादा हमेशा राइट साइड में लिखा जाएगा, तो 50 प्लस 10 60, और 50 के लिए एल बताया, 50 के लिए क्या है एल, और कितना ज़्यादा है 10, और 10 के लिए हमने बताया एस, इसमें दो दो 60 हो जाएगा। जैसे 70 में चलेंगे तो 50 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो 50 लिख लेंगे, 50 से कितना ज़्यादा है 10, और 10 20, और 50 को हम एल कहते हैं, और 10 को एस कहते हैं, फिर 10 को एस, तो ये 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। 80 को भी हम देख सकते हैं, 80 को भी हम देख सकते हैं, 50 से कितना ज़्यादा है 10 20 और 30, यानी 50 से 30 ज़्यादा है, इसी 50 से 30 ज़्यादा होगा तो हम क्या करें, 50 को हम एल कहते हैं, और 10 को 10 20 30, 80 हो गया। पर 90 क्या हम एक्स को तीन बार रिपीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसके लिए हमें 100 पे जाना पड़ेगा, और 100 पे जाते ही हमें 100 से कितना कम है, 100 से 10 कम है, और 100 को सी कहते हैं, और कम के लिए कहाँ लगाते हैं 10, पहले लगा देंगे तो यार सी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन के सवाल देखेंगे, एक्सरसाइज के सवाल देखेंगे। In Roman.
38 है, और 38 बेटा कैसे लिखा जाएगा, 10, 20, 30 और 8, 38। 10 के लिए हम क्या करेंगे, दस के लिए एस, दस के लिए एस, और 8, 5, 6, 7, 8। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 50 से बेटा कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, और 50 को हमने क्या बताया, 50 को एल कहते हैं, और 5, 6 कहाँ पर, 5 और 6। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 140, 100 से कितना ज्यादा है, 40, और 100, 40 जो है 50 से कितना कम है, 10 कम है, 50 से 10 कम है 40, तो 100 जो है 50 जो 40 जो है 50 से 10 कम है, तो हमें 100 तो मालूम है, 100 को दूसरी लिखा जाता है, और 40 को हम क्या लिखेंगे, एल से 10 कम कर देंगे। आगे देखेंगे, 100 से 10 कम है यानी 90 है, और ये कितना है, 5, ये आंसर आ जाएगा, 90 और 5 जोड़ देंगे, 5 इंटू जोड़ेंगे 5 और 9, 9, 95 हो जाएगा। अगला देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन, यक्स यक्स आई एक्स। अब देखिए हमें तो सब मालूम है, तो यक्स को तो बेटा 10 कहते हैं, और यक्स को भी 10 कहते हैं, और ये यक्स से एक कम है, तो इसका मतलब ये 9 है, तो 10, 10, 20 और 9, 29, आंसर आ गया 29। आगे देखेंगे, यक्स सी 1, 2, 3। अब देखेंगे 1, 2, 3 है, यानी सी से क्या है, यक्स पहले लिखा हुआ है, और सी को 100 कहते हैं, और यक्स में जब 100 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 90, 90, और 3 लाइन है इसका मतलब 3, इसका आंसर आ जाएगा 93। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्स एल वी आई। देखिए बेटा यहाँ पर ध्यान देखिए, एल को कितना कहते हैं, 50, और 50 से पहले एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब घटेगा 10, इसका मतलब 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, और ये कितना लिखा, 5 और 1, 6, आंसर आ जाएगा 46। देखिए बेटा क्या है कि एल के बाद यस लिखा हुआ है, और एल तो 50 होता है, तो हम इसको लिख लेंगे 50 और यस 10, 60 और 6, 5 और 1, 6, तो ये जुड़ जाएगा 50 और 10, 60 और 6, 66, 66 आंसर आ जाएगा। देखिए 50, 60, 70, 80, 81, 82, 83, यानी इसका आंसर आ जाएगा 83। इन बच्चों के नहीं समझ में आया, देखिए एल को 50 कहते हैं, 10 को 50 और 10, 60, 10, 70, 10, 80, 81, 82, 83, यानी ये हो जाएगा 83। और यहाँ पर देखेंगे 100, 200, 300, 310, 320, 330, 331, आंसर आ जाएगा 331।
समझ में आते सभी बच्चों के, कैसे जोड़ेंगे। फिर देखिए एक बार 50 इनको 50 कहते हैं, 50 के बाद लिखने वाले चलता हमने कहा लिखे हैं, अब सीधे हाथ की तरफ लिखने आपका ये सीधा हाथ है, राइट हैंड है, राइट हैंड पर जो भी नंबर लिखे जाएंगे वो जोड़े जाएंगे। तो ये तो 50 हो गया, और 10 को 10 कहते हैं, तो 50 और 10 60 65 और 66 ये हो गया, 50 60 70 80 81 82 83 83 हो गया, 100 200 300 310 320 330 331 समझ में आ गए सभी बच्चों के।